हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लेसन के आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन ही होते हैं। इन एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन सीखेंगे। अच्छा, अपचयन हम शुरू करें उससे पहले एक मैंने मैजिक लाइन आपको बताई हुई है, वो मैजिक लाइन याद करो कि यार हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है, एल्कोहल से कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये इधर जा रहे हो तो ये देखो इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इधर आओगे तो क्या होगा? अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से अल्कोहल, अल्कोहल के अपचयन से हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आप ये देखें कि हम कहां खड़े हैं। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा है? ये वाला है। हम यहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं और अपने को इससे चलना है अपचयन की ओर। अपचयन की ओर चलना है तो अपने इधर आएंगे। अब इधर एल्कोहल बन सकता है या फिर हाइड्रोकार्बन बन सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरीके की हेडिंग बनेगी, एक तो कार्बोनिल यौगिकों का हाइड्रोकार्बन में अपचयन और दूसरा जो है वो कार्बोनिल यौगिकों का एल्कोहल में अपचयन। ठीक है, क्योंकि इधर की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? अपचयन। तो इसका तो हमारे पास अपचयन के अंदर कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए मैंने पहली हेडिंग डाल दी है कार्बोनिल यौगिकों का हाइड्रोकार्बन में अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का हाइड्रोकार्बन में अपचयन। और ये दो रिएक्शन करवाऊंगा, दोनों रिएक्शन पेपर के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो शुरू करें अपने, चलिए कार्बोनिल यौगिकों का हाइड्रोकार्बन में अपचयन शुरू करें। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आने वाली चीज है। ठीक है, अब आप देखो वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है भाई। नेम रिएक्शन आपको पता है कि वैसे ही इंपॉर्टेंट होती है। अब नेम रिएक्शन में पहला है इसके अंदर कार्बोनिल यौगिकों का हाइड्रोकार्बन में अपचयन और इसके अंदर पहला पॉइंट है क्या? क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन अपचयन। अच्छा, नाम देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि यह पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ना? नाम ही इसका ऐसे इंपॉर्टेंट सा फील हो रहा है, क्लीमेंशन अपचयन। चलिए देखो, क्लीमेंशन अपचयन करवाना है कार्बोनिल यौगिक का। देखो कार्बोनिल यौगिक मेरे पास क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ और दो संयोजकताएं खाली। भाई जिसके अंदर कार्बोनिल समूह होता है वही तो कार्बोनिल यौगिक होता है, और कार्बोनिल समूह ये वाला होता है, पता है हमें इतने दिन से पढ़ रहे हैं। इसका हमें अपचयन करवाना है। देखो अपचयन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। लेकिन ये हाइड्रोजन हम लाएंगे कहां से? ये हाइड्रोजन हम लाएंगे ZnHg और HCl की अभिक्रिया से। देखो HCl और ZN रिएक्शन करके ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। ये जो हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा वो दो चार हाइड्रोजन हम यहां पर काम में ले सकते हैं। इन दोनों की रिएक्शन से हाइड्रोजन निकलेगी, ये हाइड्रोजन हम यहां पर काम में ले सकते हैं। और ये चार हाइड्रोजन क्या करेंगी? दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले जाएगी, ये लो जी H2O, और जो दो हाइड्रोजन बचेंगे वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, ये लो ये बन जाएगा CH2। ये मैथिलीन समूह बन गया। कौन सा समूह बन गया? मैथिलीन। तो आप देखो ये कार्बोनिल समूह था, ये मैथिलीन समूह है। मैथिलीन समूह किसमें होता है? किसमें होता है मैथिलीन समूह? हाइड्रोकार्बन में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन, इतनी छोटी सी रिएक्शन है लेकिन भैया आपको एक नंबर दिला जाएगी। 12th बोर्ड के अंदर क्लीमेंशन रिएक्शन एक नंबर आपको दिला जाएगी। ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके अंदर थोड़ा चेंज करता हूं। अभी आपको समझ में ना आया होगा कि यार ये हाइड्रोकार्बन बीमारी कैसे आई। इधर देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखो, अगर मैंने यहां पर कीटोन लिया होता, मैंने यहां पर कीटोन लेता तो यहां पर CH3 दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला लेता, और यहां पर भी क्या होता? यहां पर भी होता अपने पास CH3 और CH3। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या? ये वाला क्या? ये तो है तीन कार्बन है और कीटोन समूह है, तो ये तो हो गया अपने पास प्रोपेनॉन। क्या हो गया? प्रोपेनॉन। ठीक है, अब ये CH3 CH2 CH3, ये क्या हो गया? एल्केन है। एल्केन में तीन कार्बन है तो इसको अपने क्या नाम देंगे? प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो आप देखें प्रोपेन मतलब कीटोन से क्या बन गया है? प्रोपेन मतलब एल्केन बना गया है। एल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये देखो ये प्रोपेन बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है वो आपके पास आ जाएगी। इसको इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कंपटीशन में भी ये रिएक्शन कई तरीके से पूछी जा सकती है। ऐसे पूछी जा सकती है कि क्लीमेंशन अपचयन में जो कार्बोनिल यौगिक अपचयित होता है एल्कोहल में,
एल्डिहाइड में, कीटोन में, मतलब कुछ भी आपको बोल सकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए क्लीमेंशन अपचयन में किस में जाता है, ये एल्केन में जाता है, हाइड्रोकार्बन में जाता है। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ZN प्लस HCl की उपस्थिति में। ठीक है, कार्बन यौगिक पता है, एल्केन पता है, लग गया। ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, इसलिए हमने इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ी है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी याद करने की कोशिश करो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के। और अभी दो मिनट में वीडियो अगली रिएक्शन, एक और रिएक्शन करवा रहा हूं, दो चार मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर बिना देखे एक बार लिखने की कोशिश करना। ठीक है, फिर आप स्क्रीनशॉट जो आपका लिया हुआ होगा उससे मैच कर लेना, सही हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार और लिखने की कोशिश कर लेना। चलिए अब मैं दूसरी रिएक्शन करवा रहा हूं, साफ कर देता हूं इसको। देखो इसके अंदर आपको दूसरी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में ही अपचयन करवाना है, लेकिन दूसरी रिएक्शन है इसकी क्या, हाइड्रोकार्बन में ही अपचयन करवाना है, लेकिन इस बार रिएक्शन का नाम है वॉल्फ किशनर, वॉल्फ किशनर अपचयन, वॉल्फ किशनर अपचयन। आप देखो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर दो पद होंगे, वॉल्फ किशनर अपचयन, ये इंपॉर्टेंट है, नाम वाली रिएक्शन है, तो इसके अंदर दो पद होंगे। पहले पद में क्या होगा कि आपके पास जो कार्बनिल समूह था, ये लो, ये आपके पास कार्बनिल समूह है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो है आपने किससे करवानी है, हाइड्रोजीन से करवानी है, किससे करवानी है, हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन को याद करो क्या था, NH2 को हम क्या कहते थे बच्चों, हाइड्रोजीन कहते थे। ठीक है, तो ये तो रहा आपके पास कार्बोनिल समूह, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, या ये तो है अपने पास कार्बोनिल यौगिक, और इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, हाइड्रोजीन से। ठीक है, और अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया के अंदर मैंने सिखा रखा है कि यह अभिक्रिया कैसे होगी। ये अभिक्रिया इस प्रकार से होगी कि ये वाला O और ये वाला H2 क्या करेंगे, H2O निकाल देंगे, तो इससे तो जो है वो H2O निकल जाएगा। ये लो भैया -H2O, जो बचा हुआ है उसको लिख डालो, बहुत आसान है यार। क्या किया, C डबल बॉन्ड, अब O निकल गया, H2 निकल गया, कौन बचा हुआ है, N, तो डबल बॉन्ड N, फिर NH2। ठीक है, अब हाइड्रोजीन से जब रिएक्शन होती है कार्बनिल यौगिक की, तो जो उत्पाद बनता होता है उसका नाम होता है हाइड्रेजोन बनता है। ठीक है, हाइड्रेजोन बनता है। अब इससे आपको क्या करना है, अभी तक आपका उद्देश्य क्या है, हाइड्रोकार्बन बनाना, ये तो हाइड्रेजोन बना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है, ये N2 बीच में सटाना है, ये H2 सीधा यहां पर जोड़ना है। ठीक है, ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसा करने के लिए यहां पर हम इसकी रिएक्शन आगे एक और स्टेप काम में लेते हैं, इसको आगे एक बार और ले जाते हैं। क्या क्या लेते हैं, इसकी अभिक्रिया, अब इसको गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, KOH और एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, ये याद कर लो, एथिलीन ग्लाइकोल, कौन, दोबारा बोलो, क्या, KOH और एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं। और इनका काम क्या होता है कि भैया इससे N2 हटा दे, क्या कर दे, N2 हटा दे, तो ये लो जी N2 हटा दी। अब बचा क्या, C, दो संयोजकताएं खाली, अब ये वाला H2 है, इससे सीधा जुड़ जाएगा, तो वही ये क्या बन गया, मेथिलीन समूह बन गया, और मेथिलीन समूह बन गया तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। अगर मैं यहां से ये अपने पास एक बार मैं यहां पर यहां तक आपको करवाता हूं, ये है मेथिलीन समूह। ठीक है, कौन है, मेथिलीन समूह है, मेथिलीन समूह है। ठीक है, ये मेथिलीन समूह है, या मेथिलीन समूह से हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि पेपर में आपको इसको लिखना है। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर थोड़ा चेंज करता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहां पर एल्डिहाइड लेता, तो मैं यहां पर CH3H लेता, ये CH3H लेता, पहले वाला एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लो CH3 और H। तो अगर ऐसा करता तो ये अपने पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एथेनेल है, एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये एथेनेल हो गया, अब एथेनेल से ये क्या बन गया, एथेन बन गया, CH3 और ये CH3 है, CH3 क्या होता है, एथेन, और एथेन क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। ये हुई वॉल्फ किशनर अपचयन रिएक्शन। याद करो कार्बोनिल यौगिक किससे रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन से। मेरे साथ बोलो किससे रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन से। क्या होता है हाइड्रोजन, NH2 रिएक्शन कैसे होती है, H2O निकल जाता है, बाकी N डबल बॉन्ड NH2 जुड़ जाता है। अगर इससे हमें मेथिलीन समूह बनाना है तो ये N2 हटाना पड़ेगा, और N2 हटाने के लिए हम गर्म करेंगे किसके साथ में, बोलेंगे क्या किसके साथ में, KOH और एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में। क्लियर हुई बात बच्चों? तो इस प्रकार से ये वॉल्फ किशनर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे, और एक छोटी सी बात और बताता हूं और फिर वीडियो आज की फिनिश। ठीक है, आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। चलिए, अब कार्बोनिल यौगिकों का है भाई एल्कोहल में अपचयन, क्योंकि दो तरीके के अपचयन अपने पढ़ने थे, एक हाइड्रोकार्बन में और एक एल्कोहल। एल्कोहल में आसान ही है, पहले हम कर चुके हैं, पहले ये कर चुके हैं, ये सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, आपको इसका अपचयन करवाना है तो हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। हाइड्रोजन कहां से लाए, LiAlH4 से, क्योंकि ये अपचायक है, इस अपचायक से हम हाइड्रोजन लेकर के आए और क्या कर दिया, एक को एक सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना, कार्बन को एक एच दे दिया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और एक O को H दे दिया, दो H थे, एक H इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया, तो ये बन गया। अब ये आपके पास हो गया भाई क्या, ये CH के साथ में OH जुड़ गया, तो ये क्या बन गया है, एल्कोहल बन गया है, किससे, कार्बोनिल यौगिक से। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बोनिल यौगिक से जो है हम एल्कोहल बना सकते हैं। हाइड्रोजन जोड़ा है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कराता है, अपचयन करवाने से एल्कोहल बन गया। ठीक है, अब मुझे आप एक काम करके बताओगे कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच यहां पर CH3 और H मतलब एल्डिहाइड है, ये क्या है एल्डिहाइड, इसका अगर यही सारा काम अपचयन करवाओगे तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, और अगर C डबल बॉन्ड O यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, इस बार ये क्या है कीटोन, अगर कीटोन का यही सब काम करवाओगे तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, ये दो काम मुझे अभी करके बताओ, क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास इतने ही, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम वाली रिएक्शन है, ये भी नाम वाली रिएक्शन थी, नाम वाली रिएक्शन हर कोई रट डालना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, गुड लक, गुड बाय।